कोरोना काल में सजवानी के किसान खेमराज की कोरोना जांच कई सवाल खड़े कर रही है। जहां बड़वानी में कोरोना जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव मिली, लेकिन इंदौर रेफर करने के बाद कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एक ही तारीख में दो रिपोर्ट, जिसमें जिला अस्पताल की पॉजिटिव तो इंदौर में नेगेटिव आई है। इस मामले पर CMHO अनिता सिंगारे का कहना है कि जांच मशीन में खराबी होती है तो वहीं जांच करने में अंतराल होगा। जी, उनको करीबन 1.5-2 साल से पहले सांस और गठिया की समस्या थी, उसको लेकर हम यहाँ आए थे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में देखते के साथ उनको रेफर कर दिया गया इंदौर के लिए, और उनका यहाँ पे कोरोना टेस्टिंग के लिए सैंपल भी ले लिया गया था। और यह जो सैंपल यहाँ ले लिया, उसी रोज ठीक 3 से 4 घंटे बाद सैंपल इंदौर भी लिया गया। तो इंदौर की रिपोर्ट जो आई है वो नेगेटिव आई है, और जो बड़वानी की उसी रोज की एक ही दिन की रिपोर्ट, एक ही व्यक्ति की रिपोर्ट, एक नेगेटिव हुई है और एक पॉजिटिव हुई है। बड़वानी जो आई है रिपोर्ट वो पॉजिटिव आई है, और इंदौर की जो आई है वो नेगेटिव रिपोर्ट। इंदौर में कहाँ पर दिखाया था? जी, इंदौर में वहाँ पे यहीं से जो भेजा गया था, यहाँ हॉस्पिटल से रेफर करा था, रेफर किया था उनको, जहाँ भी रेफर इन्होंने किया था। मैं नाम तो भूल रहा हूँ उनका, जी हॉस्पिटल का नाम नहीं बता पा रहा हूँ। तो क्या मानते हैं आप, ये जो रिपोर्ट में नेगेटिव और पॉजिटिव एक ही दिन में आ रही है, तो इसको लेके क्या मानते हैं आप? जी, मेरा मानना है कि पॉजिटिव तो कहीं से कहीं तक दिखे, उनको 1.5 से 2 साल से समस्या है इस चीज़। मतलब ये यहाँ त्रुटिवश पॉजिटिव बता दिया गया है या जानबूझकर बता दिया? हाँ। भैया क्या मान लो था? ये हमारे अंकल जी है, इनको गाठियाबाई की प्रॉब्लम है 1.5 साल से। इनको लेके तो बड़वानी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बोल जाता, फिर सरकारी में ले गए, सरकारी में फिर रामा इसमें इन्होंने ले गए। यहाँ से फिर 6 बजे इन्होंने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद में इन्होंने इंदौर रेफर किया। इंदौर में रात को 2 बजे टेस्ट वहाँ पे भी किया, वहाँ पे नेगेटिव रिपोर्ट आई है इंदौर में, और यहाँ पे पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। एक ही तारीख को किया है, और वहाँ से अंकल वेस्टी के अभी MY हॉस्पिटल में बढ़िया मस्त है। अब उनको हम लाना चाहते हैं, और हमारे यहाँ क्वारंटाइन किया है मैम ने, और कल अंकल से बात भी हुई थी, तो अंकल से मैम ने ये बोला था कि मतलब क्वारंटाइन तो रखना ही पड़ेगा। अब हम तो यहीं की रिपोर्ट मानेंगे, और हम किसान लोग हैं, हमारी मिर्ची ख़राब हो रही है, कपास भी ख़राब हो रहा है, मवेशियों हमारी परेशान हो रही है, हम सब पूरा परिवार परेशान है अभी, और कभी हो सका तो हमको कुछ भी करना पड़ सकता है, घटना और इसी चीज़। क्या चाहते हो आप? यहाँ पर जो सैंपल लिए गए हैं, ऐसा एक ही दिन में 2 सैंपल अलग अलग लेकर के तो कोई टेस्ट किया नहीं गया है, और जनरली जो भी रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट को हम मान्य करते हैं। पीड़ितों का ये कहना है कि पहले यहाँ पर पहला जो टेस्ट यहाँ किया था, उसके बाद इंदौर रेफर किया था, और इंदौर में भी हुआ है इस तरह। एक दिन में 2 बार टेस्ट हुआ, ऐसा बीच में गैप हो जाता है, इनक्यूबेशन पीरियड रहता है इसका, तो हो सकता है कि यहाँ जब टेस्ट लिया था उस समय उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई होगी, और कुछ अंतराल के बाद में दोबारा टेस्ट लिया होगा, तो वो समय तो पहले पॉजिटिव आना और फिर कुछ घंटों बाद नेगेटिव, कैसे संभव है? नहीं, कुछ घंटों में तो नहीं हुआ होगा, ये बीच में अंतराल रहा होगा। मैं उसको दिखवा लूँगी। जाँचें तो सारी मशीन में होती हैं, और यहाँ से तकनीकी रूप से इसको अपन कम कहीं कुछ मान सकते हैं? नहीं, तकनीकी रूप से तो नहीं मानेंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट आती है वो सही आती है। इंक्यूबेशन पीरियड जरूर, अगर उसमें गैप रहता है, अगर आज टेस्ट की है और कुछ गैप देके फिर दोबारा करेंगे, तो उस स्थिति में केस पॉजिटिव आने की संभावना रहती है। तो उसको क्या संदिग्ध पॉजिटिव माना जाए? रिपोर्ट सेकेंड रिपोर्ट में जो आता है, यदि केस नेगेटिव है तो उसके बाद में उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि कोई केस पॉजिटिव आता है तो परिजनों को क्वारंटाइन रहने की ज़रूरत है।